हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ टेक ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वोडाफोन आइडिया ने मार्केट में एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च या मॉडिफाई कर दिया है। सेम वही प्लान है, बट इसमें डेटा के साइज को जस्ट डबल कर दिया गया है। तीन प्रीपेड प्लान्स को इन्होंने डेटा डबल कर दिया है और पोस्ट पेड यूज़र के लिए कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। और तीनों प्लान मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, पहले कितना मिलता था और अभी कितना डेटा मिल रहा है, और प्लस पहले कितने टोटल जीबी मिलते थे पूरे वैलिडिटी के साथ और अब कितना मिल रहा है। ये सारे डिटेल मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करूंगा। तो पहला प्लान है हमारा 249 का। इसमें टोटल हमें 1.5 GB पर डे मिलता था 28 डेज वैलिडिटी के साथ। तो अभी इन्होंने डेटा एक्सटेंड करके 3 GB पर डे कर दिया है, और जो पहले फ्री कॉलिंग SMS ये सारे थे वो सारे एग्जिस्टिंग सेम रहेंगे, वैलिडिटी सेम रहेगी। बस डेटा 1.5 GB पर डे जो था उसको 3 GB पर डे कर दिया गया है। तो इस हिसाब से पहले हमें इस प्लान में टोटल 28 डेज मिला के 42 GB डेटा मिलता था, अभी ये 84 GB डेटा हो गया है। दूसरा प्रीपेड प्लान है जिसमें डेटा एक्सटेंड किया गया है, डबल किया गया है, 399 वाले प्लान की वैलिडिटी 56 डेज है, और जो पहले 1.5 GB डेटा मिलता था अब इसमें भी 3 GB डेटा मिलेगा और वैलिडिटी 56 डेज सेम रहेगी। 399 वाले प्लान में हमें पहले 84 GB मिलता था डेटा टोटल, अभी ये 168 GB कर दिया गया है। अब तीसरा प्लान है 599, इसकी वैलिडिटी 84 डेज की थी और ये चेंज होने के बाद भी वैलिडिटी 84 डेज ही रहेगी, बट डेटा जो है वो 3 GB पर डे हो जाएगा जो कि पहले 1.5 GB पर डे था। तो इस हिसाब से 599 वाले प्लान में पहले हमें 126 GB मिलता था टोटल डेटा और अभी 252 GB मिलेगा। तो ये वोडाफोन आइडिया ने मार्केट में बने रहने के लिए अपना आखिरी दाव खेल दिया है, और जो यूजर्स हैं उनको इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। और ये न्यूज़ थी जो अभी लेटेस्ट आई है, आप लोगों से शेयर करना था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।